मस्जिद में तारे पड़ गए का किसी को नमाज जुमा पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, न तरावी पढ़ने दिया जा रहा है ना। आप अपने अपने उम्र का हिसाब लगाइए, नाती पोता वाले हो गए, कभी आपने ऐसा रमजान देखा नहीं देखा। अब बताइए कि अब दुकान खुल चुका है, मार्केट खुल गई है और ये मुकम्मल तरीके से प्लानिंग के तरीके से हुआ है और ईद के लिए मार्केट खोलेगा और ईद के बाद फिर से बंद कर देगा। आपके पास जो कुछ पैसा 1000-2000 रूपये जमा है या 5000 रूपये है आपके पास, वो कपड़ों में खर्च करवा देगा और फिर से बंद करवा देगा, लॉकडाउन में चलिए। फिर उस वक्त क्या खाइएगा क्या पीजिएगा, जब नमाज नहीं हो रही है, तरावी नहीं है, जुमा नहीं है और हमारे मस्जिदें बंद पड़ी हैं, तो हम ईद किस तरह से मनाएंगे? हम नया कपड़ा नया जूता पहनकर कहाँ जाएंगे, हम किससे मिलने जाएंगे? तो बराए मेहरबानी इस साल ईद में कोई कपड़े की खरीदारी ना करें, जूते पैंट की खरीदारी ना करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसा है, आपने कपड़ा खरीद लिया अपने बच्चों के लिए, और आपके अपना सगा भाई या अपने पड़ोसी के पास पैसा नहीं है और वो अपने बच्चों का कपड़ा नहीं खरीद पाया, आप अपने बच्चा को नया कपड़ा पहना दिए, वो घर से बाहर निकलेगा और पड़ोसी के बच्चे बाहर निकलेंगे पुराने कपड़े पहन करके, अब बताओ कि दोनों बच्चों में एक दूसरे पे दिल पे क्या असर पड़ेगा कि इसके माँ बाप तो नया कपड़ा लाया, मेरा माँ बाप नहीं लाया। तो इस तरह से एक दूसरे का यानी तकलीफ भी होगी, दिली तकलीफ होगी। तो बराए मेहरबानी आप पैसा बचा कर रखें और ये लॉकडाउन में ये लंबा चलेगा तो वही पैसा से आप अनाज खरीदें और खाने पीने की चीजें खरीदें। ईद के लिए हल्की फुल्की चीजें खरीदिए और सादगी के साथ ईद मनाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह इस बीमारी को जल्द से जल्द खात्मा फरमा दे और फिर से हम तमाम को जैसा हम जिंदगी गुजार रहे थे उससे बेहतर जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमा दे। यही दुआ कीजिए, कपड़ा वगैरह ना खरीदिए और यही बात सबों को समझाइए। और आपके पैसों से बड़े बड़े दुकानदार फायदा में रहेगा और आपको बदनाम करेगा। क्या बदनाम करेगा? आप हमारी माँ बहने जाएंगी तो नकाब पहन करके जाएंगी, वो फोटो खींच करके चैनल पर दिखाएगा, ये देखो बुरके वाली मुसलमान औरतें भीड़ लगाई और बीमारी को फैला दिया। अभी आपने चैनल पर देख रहा ना कि जमातियों ने बीमारी को फैलाया, जमातियों ने बीमारी को फैलाया, निजामुद्दीन में लोग वहाँ फंसे हुए थे, उसके बोले फंसे हुए हैं और दूसरे मजाहिब के आस्थान पे लोग छुपे हुए हैं, यानी एक जगह पे छुपे हुए हैं, एक जगह पे फंसे हुए हैं। मुसलमान अगर कहीं पे फंस जाए तो कहना है कि मुसलमान छुप गया, और उसके जगह पे कोई दूसरे मजहब के लोग अगर फंसते हैं छुपते हैं तो मतलब फंसे हुए हैं। तो इन तमाम बातों पर गौर करें और बराए मेहरबानी ये जितने लोग तंजीम की कमेटी के लोग आए हुए हैं आपके बारगाह में, यही कहने के लिए कि आप अपना पैसा को